हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं लाइफ इस फिल्मी चैनल पर कभी तो कोई बात चले सीरीज़। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें हमें कुछ सिचुएशन अधूरी या गलत लगती हैं, और डरावनी फिल्में तो अक्सर ऐसी ही होती हैं। ऐसी एक फिल्म है पुरानी हवेली। फिल्म में भूत को एक तहखाने में क्रॉस लगा के बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कई बार बाहर लोगों को मारता है। वो बाहर कैसे आया, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया है। इन सभी सवालों पर हमारे एक व्यूअर ने एक कहानी लिखी है, सुनिए। हवेली के मालिक राणा का एक बड़ा भाई था। राणा की जवानी में ये हवेली बड़े भाई के नाम थी, जिस पर राणा को जलन होती थी। राणा एक पार्टनर शाकाल के साथ गैरकानूनी धंधे करता है, जिसके बारे में भाई को पता नहीं है। वो गैरकानूनी माल लोहे के पुतले में भर के स्मगलिंग करता है, और लोहे के पुतले वो हवेली में रखता है, जिसका पता लगने पर भाई गुस्सा करता है। शाकाल और राणा उसे मार देते हैं, और हवेली के कागजात पर उसका अंगूठा लगा के राणा ये हवेली अपने नाम कर लेता है। मरने के बाद भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलती, और उसकी आत्मा हवेली में ही भटकने लगती है। उन्हीं दिनों नरेन अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेके वहाँ आता है, और वो आत्मा उस बच्चे में आ जाती है। नरेन उस बच्चे को हवेली के पीछे खंडरों में एक तहखाने में बंद तो कर देता है, लेकिन शैतान होने की वजह से वो बच्चा बिना कुछ खाए भी बड़ा होता रहता है। 20 साल बाद राणा और शाकाल के आदमी पुलिस से डर के स्मगलिंग के माल से भरे लोहे के पुतले खंडर में छुपाते हैं, और उस क्रॉस को हटा देते हैं, जिससे शैतान बाहर आ जाता है और सबको मारने लगता है। सब इधर उधर भागते हैं, शाकाल भी भागता है। उसके हाथ में अभी भी वो क्रॉस है। भागते हुए वो क्रॉस उससे कब्रिस्तान में गिर जाता है, जहां शैतान उसे मार देता है। अपने सभी आदमियों के मरने की वजह से राणा काफ़ी डर जाता है, और हवेली बेच के विदेश भागने की सोचता है। वो अपने नौकर को सफाई के लिए हवेली भेजता है, जिसे शैतान मार देता है। राणा और कुमार हवेली आते हैं, तो उन्हें भी शैतान राणा को हवेली में और कुमार को कब्रिस्तान में मार देता है। तभी वह नरेन आता है, और उसे वो क्रॉस वहाँ मिलता है, जिसे दिखा के वो शैतान को तहखाने में बंद कर देता है। ये कहानी जिस व्यूअर ने कमेंट में लिखी थी, वो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगले वीडियो में उनका नाम बता पाऊँ। दोस्तों, अगर आपको भी किसी फिल्म को देख के कोई कहानी सूझती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।